ये देखिए, ये मैं लेके आया कारवा मोबाइल। इसमें कहा गया, देखिए ये डॉन वन ईयर और तमाम चीज़ें हैं इसमें लिखा हुआ फॉर म्यूज़िक लवर्स। और इसमें कहा गया है कि कुछ 300 के करीब गाने भरे हुए हैं। 120 ईयर्स ओल्ड कंपनी। ये इसका हैंडसेट है, ये पीछे वाला बेसिक मोबाइल। ये इसका बैटरी है और ये इसका ढक्कन है। जब मैं ख़रीदने गया था दुकान, तो दुकानदार ने मुझे बताया कि ये बेहतर रहेगा। कारण क्या है, कीपैड इस्तेमाल तो करना ही है। और ये आरपी गोयनका जी हैं, कोई इनके ग्रुप ने बनाया है, ये कलकत्ता की कंपनी है। और प्री लोडेड है, दो सिम है, ये IMEI नंबर वगैरह तमाम चीज़ें हैं। बेचने के लिए, ख़रीदने के लिए, कहने के लिए तो बहुत अच्छा हैंडसेट है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी डीमेरिट क्या है, मैं हैंडसेट खरीद के लेके गया, जब पहला उस हैंडसेट में मुझे एक डिफेक्ट मिला। ये स्क्रीन पर ऐसे दो लंबी लाइनें थी, ऐसे दो लंबी रेखाएं। मैंने उसको देख करके, जैसे रात में ख़रीदा, सवेरे गया दुकानदार से कहा, दादा इसमें ये लाइन आ गई है। तो दादा ने प्रयास किया कि मुझे ही ब्लेम कर दे कि मैंने ही तोड़ फोड़ दिया, पटक दिया होगा गुस्से में। बड़ी मुश्किल से मैंने उनको समझाने का प्रयास किया कि इसको आप रिप्लेसमेंट वारंटी कह रहे हैं और ये तो फिर आप सर्विस सेंटर भेजिए। लेकिन उन्होंने मुझे दो दिन दौड़ाया बड़ी मुश्किल से। बाद में फिर पता नहीं कहां कहां बात करके उन्होंने मुझे हैंडसेट रिप्लेस करके दिया है। कस्टमर केयर सेंटर मेल किया, मेल का कोई रिस्पांस नहीं आया। हालांकि बाद में आज मुझे 4 दिन के बाद एक फ़ोन आया था कलकत्ता से, तो उन्होंने बताया कि मैं ये हूँ वो हूँ। शुक्रवार को कस्टमर केयर से, सर्विस सेंटर से कॉल आया था। उनको भी मैंने व्यथा बताई तो उन्होंने कहा अच्छा हम देखते हैं, और अभी तक वो देखते रह गए। तो अल्टीमेटली मेरा यह मंतव्य है कि कारवा मोबाइल अगर ख़रीदते हैं तो अंडर ओन रिस्क खरीदिए। इसके सपोर्ट्स नहीं मिलेंगे आपको, एकदम नहीं मिलेंगे, और मिलेंगे भी तो शायद लेट लतीफ़ और आप फिर फेंक देना चाहेंगे। बाकी इसके यूजेस क्या हैं अभी तो मैं देख ही नहीं पाया हूँ, यूजेस करके फिर बताता हूँ आपको। मेरे ओर से इस कंपनी को, प्रोडक्ट के लिए, आफ्टर सेल सर्विसेज के लिए -1 स्टार है।